कजब कैसे हैं? ठीक है जी, सब लोग सब लोग खैरियत से हैं। बड़ा अच्छा लगा जी आप लोगों से मिलके। तो जी इरफान साहब जी, सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एटीट्यूड क्या है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एटीट्यूड, असल में एटीट्यूड को देखने के लिए हम देखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सबसे ऊपर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी तंजीम के अंदर जो है वो सीईओ होता है। अब सीईओ को हम देखते हैं कि उसका एटीट्यूड और उसकी स्किल को हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके पास जो है वो 90% एटीट्यूड है, जबकि सिर्फ 10% उसके पास जो है वो स्किल है। सो जैसे ही हम इस लेवल से नीचे आते हैं तो एटीट्यूड कम होता है, जबकि उसका जो स्किल है वो बढ़ती जाती है। और मजीद हम नीचे आते हैं तो एटीट्यूड और कम हो जाता है और स्किल बढ़ती जाती है। और इसका मतलब है कि जैसे हम नीचे आते जाएंगे और जब हम बिल्कुल बॉटम पे पहुंचते हैं तो बॉटम पे हम आकर देखते हैं कि वहाँ वर्कर है, और वर्कर जो है उसका एटीट्यूड जो है वो सिर्फ 10% है और उसके पास जो स्किल है वो 90% है। सो हमें समझ आया कि जितना आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका एटीट्यूड जो है वो इंक्रीज करता है और आपकी स्किल जो है वो कम होती जाती है, और नीचे की तरफ जब आते हैं तो वहाँ स्किल बढ़ती जाती है और एटीट्यूड कम होता जाता है। तो इसका मतलब है कामयाबी के लिए या इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, बड़े मर्तबे और मुकाम के लिए आपको एटीट्यूड की जरूरत है। आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा आप अपने एटीट्यूड को, और अगर जो है वो आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, मुकाम चाहते हैं, तो फिर आपने अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करना है। थैंक यू।